जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। है दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटीबीपी रिक्रूटमेंट रैली 2023 के बारे में। जीडी के पदों पर एक और नई रिक्रूटमेंट रैली है, उसका नोटिफिकेशन आईटीबीपी की साइट पर आ चुका है और बिल्कुल आप भी इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं, क्योंकि वो ये रिक्रूटमेंट रैली ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग कंडीशन रखी गई है। सारी की सारी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एज क्रिटेरिया क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। अगर आपको भी बिना परीक्षा भर्ती होना है तो इस रिक्रूटमेंट रैली में आप भाग ले सकते हैं, क्योंकि फिजिकल, मेडिकल और ट्रायल के आधार पर आप लोगों को यहां पर भर्ती किया जाएगा। और इसका जो नोटिस है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से कब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, सारी की सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलने वाली है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपका सपना है आईटीबीपी में भर्ती होने का जीडी के पद पर, तो बिल्कुल आप इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप सभी नौजवानों को पता है कि यहां पर एसएससी जीडी की एग्जाम डेट के साथ ही ऑनलाइन अप्लाई की डेट आ चुकी है और इस बार का रिक्रूटमेंट का धमाका बड़ा होने वाला है। जितने भी मेरे नौजवान साथी है जो इस बार एसएससी जीडी में भर्ती होना चाहते हैं, उनका सपना है आईटीबीपी में जीडी के पद पर भर्ती होने का, तो कम से कम 8 से 10 हजार की वैकेंसी आपको एसएससी जीडी के तौर पर आईटीबीपी में देखने को मिलेगी। और नया टारगेट बैच ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो चुका है बिल्कुल जीरो से, जिसमें बिल्कुल लाइव बैच आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगी। टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए टायर सीरीज मिलेगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट रहेगा। और यह है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित, और अभी सभी कोर्सों पर 60% की छूट चल रही है। जितने भी नौजवान एसएसबी ट्रेडमैन और ड्राइवर का फिजिकल पास कर लिया है, नया भर्ती बैच शुरू हो चुका है, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए राजधानी बैच और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए हवलदार बैच चल रहा है, और सभी कोर्सों पर 60% की छूट चल रही है। जो कोर्स आपको 999 रुपए मिल रहा था, वो संपूर्ण कोर्स दोस्तों आज रात 12 बजे तक मात्र आपको 399 रुपए में दिया जा रहा है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप 10वीं पास है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास की है, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10वीं पास रखी गई है। अगर एज की बात करूं तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 23 साल होनी चाहिए, यह रहेगा जनरल वालों के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 26 साल तक आप अप्लाई कर पाएंगे ओबीसी वाले कैंडिडेट। अगर मैं बात करता हूं एससी एसटी कैंडिडेट होगी तो 28 साल तक एससी और एसटी वाले कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं टोटल वैकेंसी की, तो टोटल 248 पदों पर ये रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट होने वाली है। जो कि किसकी रिक्रूटमेंट रैली है, अलग अलग मैं आपको डिटेल से बता देता हूं बिल्कुल कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन जा पाएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए आप ऑनलाइन कब से अप्लाई कर पाएंगे। देखो, ऑनलाइन अप्लाई की डेट भी यहां पर आ चुकी है, यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई है, वो आप लोगों को मैं बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं, आपका देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई को लेकर दिया गया है कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 नवंबर 2023 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 28 नवंबर तक रात 12 बजे तक आप इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो मैं बता दूं, चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप क्या होने चाहिए, आप एक स्पोर्ट्स धारक होने चाहिए। रिक्रूटमेंट फॉर द मैटियर स्पोर्ट्स पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, जीडी के पदों पर है लेकिन स्पोर्ट्स मैन की। अगर आपके पास में कोई भी स्टेट का, नेशनल का या इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट है किन किन से, तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं। इवेंट भी मैं आपको बता देता हूं कितनी कितनी वैकेंसी है। एथलेटिक्स से अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो 27 वैकेंसी मेल की है और 15 वैकेंसी फीमेल की है। अगर मैं बात करूं तो एक्वेटिक्स की वैकेंसी यहां पर आई है, उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स शूटिंग की वैकेंसी है 20, बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट है तो यहां पर 13 वैकेंसी है, फुटबॉल की टोटल 19 वैकेंसी है, जिमनास्टिक की टोटल 12 वैकेंसी है, हॉकी की टोटल 7 वैकेंसी है, वेट लिफ्टिंग की टोटल 14 वैकेंसी है, वुशू की यहां पर टोटल 14 वैकेंसी है, उसके अलावा कबड्डी की भी यहां पर टोटल आप देख सकते हैं। कबड्डी की वैकेंसी मेल की नहीं है, फीमेल की 5 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। रेसलिंग के लिए 6 वैकेंसी मेल की है। अगर मैं आर्चरी की बात करता हूं, जिसमें अलग अलग इवेंट यहां पर होंगे, 4 वैकेंसी मेल की है और 7 वैकेंसी आपके फीमेल कैंडिडेट की है। अगर बात करते हैं यहां पर, तो बाकी आप देख सकते हैं
कैनेटिंग और रोविंग यहां पर आप लोगों की ये वैकेंसी है, लेकिन इसमें आप वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन कैंडिडेटों के पास में स्पोर्ट सर्टिफिकेट है कौन सी ट्रेडों से। तो बिल्कुल आप यहां पर देख सकते हैं, अगर इन इवेंटों में आपके पास में कोई भी स्टेट का, नेशनल का या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का फर्स्ट या सेकंड पोजीशन का सर्टिफिकेट है तो आप इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल में जो कैंडिडेट पास होंगे उनका ट्रायल होगा और ट्रायल में जो कैंडिडेट पास होंगे उनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। बिना रिटर्न अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आप इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सकते हैं। साथ ही पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बेस्ट एग्जाम भाई बाबू फौजी, वहां पर आपको हर एक रिक्रूटमेंटों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट रैली के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।